तो आइए ये देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो बेसिक्स, जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या हैं जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करने के लिए, AWS की सर्विसेज को स्पेसिफिकली अडॉप्ट करने के लिए। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले IAM है, विच स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग VPC देखेंगे, विच स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स। उसके बाद हम लोग EC2 को देखेंगे, जो कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट है, वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग की सर्विस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरेज की सर्विस, जिसको सिंपल स्टोरेज सर्विस कहते हैं या S3 भी कहते हैं। उसके बाद आजकल की दुनिया में, क्योंकि बहुत सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर वेब डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस की शक्ल में हमारे सामने आता है, तो इनकी लास्ट माइल डिलीवरी, जिसमें कस्टमर को लो लेटेंसी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उसमें सर्विसेज हैं जिनको इलास्टिक लोड बैलेंसर्स कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लाउड फ्रंट क्या प्रोडक्ट है, और DNS मैनेजमेंट का एक जो प्रोडक्ट है या टूल है AWS का, Route 53, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग और पॉलिसिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या IT या AWS की सर्विसेज के ऊपर नज़र रखने के लिए हम लोग क्लाउड वॉच को देखेंगे, हम लोग क्लाउड ट्रेल को देखेंगे, और सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस और SNS, इसको SNS भी कहते हैं, उसको देखेंगे। इन बेसिक सर्विसेज के अलावा हम लोग डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहले RDS है, रिलेशनल डेटा सर्विस कहलाती है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह के रिलेशनल डेटाबेसेस को स्पिन अप कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल MySQL, पोस्टग्रेस जैसे, और माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल के डेटाबेसेस में अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। उसके बाद AWS की एक प्रोडक्ट है DynamoDB के नाम से, जो कि NoSQL या बिग डेटा की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, उसको देखेंगे हम लोग। और अगेन, दोबारा वेब सर्विसेज की तरफ अगर आया जाए, तो इलास्टिक कैश एक ऐसी चीज़ है जो कि वेबसाइट्स को डेटा डिलीवर करने या डेटा क्विकली डिलीवर करने में कस्टमर को हेल्प करती है। तो हम लोग इलास्टिक कैश को देखेंगे, ये भी एक तरह की डेटाबेस ही है जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक डेटा वेयर हाउसिंग टूल, जो कि AWS का अगेन अपना प्रोडक्ट है, अमेजोन रेड शिफ्ट कहलाता है, बहुत पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनीज जब अपना बहुत सारा डेटा AWS के ऊपर मूव करना चाह रही होती हैं और उसको किसी डेटा वेयर हाउसिंग की शक्ल में रखना चाह रही होती हैं, तो वो रेड शिफ्ट को ऑप्ट करती हैं। उसके बाद क्लाउडलेस सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो कि बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है लैम्डा के नाम से, जिसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये कुछ कोर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एडवांस प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और प्रोडक्ट्स को भी कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनका भी जिक्र आएगा। इसके अलावा एक जो टॉपिक है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है अंडरस्टैंड करना जब आप AWS के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसको कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बेसिकली हमें यह बताता है कि एज अ कस्टमर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और AWS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है AWS के ऊपर काम करने के लिए। और आखिर में हम लोग प्राइसिंग को देखेंगे, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स के साथ कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू फॉर देयर मनी देने के लिए आपको प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग समझना ज़रूरी है। ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी होती रहती हैं, नई प्राइसिंग भी आती रहती है, तो आखिर में हम लोग प्राइसिंग का देखेंगे।